हेलो गाइस, वेलकम टू जिंदा फिर आया है। मैं हूँ रोहन और ये है नवी। सो गाइस, ये वीडियो हम एडिटिंग ट्यूटोरियल के ऊपर बना रहे हैं। जो हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो हम कैसे एडिट करते हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर आपको देखने मिलेगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक पे कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, ट्यूटोरियल बनाइए, आप कैसे एडिट करते हो, कौन सा ऐप यूज करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन। सो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के थ्रू हम आपको सारे क्वेश्चन के जो आप देखते हो वो एडिटिंग का काम मेरा होता है। सो हमारा काम सॉर्टेड है। Tutorial. Okay. एडिटिंग करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ वो स्नैपसीड है। प्ले स्टोर में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। स्नैपसीड के अलावा बहुत सारे और अलग अलग ऐप्स भी अवेलेबल है, लाइक पिक्सार्ट है, फिर लाइटरूम है, फिर एडोब फोटोशॉप है। पर स्नैपसीड मैं पहले से यूज़ करता हूँ और मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, मतलब यूट्यूब पे देख के, इधर उधर देख के, थोड़ा थोड़ा बहुत सीख के अभी तक मैं भी सीख रहा हूँ। तो फोटो जो मैं खींचता हूँ वो दो इसमें खींचता हूँ। कभी कभी मैं मेरा वीवो V11 Pro भी यूज़ करता हूँ, और कभी कभी मेरे पास DSLR है, Sony 7R Mark II है, तो वो भी मैं यूज़ करता हूँ। एडिटिंग इट्स लाइक अ आर्ट, मतलब इट्स नॉट लाइक अ मैथ की 1+1=2। इसमें ऐसा है कि आप कोई भी हद तक, देर इज़ नो लिमिटेशन। अलग अलग फ़ोटो, अलग अलग माहौल में आप जब खींचते हो, अलग अलग लाइट होते हैं, कोई शाम को खींचता है, कोई दिन में खींचता है, कोई दोपहर में खींचता है, कोई रात को खींचता है, तो उसमें आपको एडिटिंग करते वक्त उस हिसाब से करना होता है। इट्स लाइक द सेम लाइक अ कुकिंग, मतलब आप इसमें कोई कम मिर्ची डालता है, कोई ज़्यादा मसाला डालता है, कोई कम नमक डालता है, इट्स लाइक दैट। पर वो सब्जी बननी चाहिए और इस हिसाब से आपको उसको स्पाइसेस आपके ऐड करने पड़ते हैं। तो चलिए एडिटिंग को शुरुआत करते हैं। तो ये फोटो एज अ रेफरेंस हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ऑलरेडी मैंने स्नैपसीड पे इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे स्नैपसीड पे अगर आप इस आइकॉन पर क्लिक कीजिए तो आपको डिफरेंट डिफॉल्ट्स फीचर्स जो, या अलर्ट्स आप बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी स्नैपसीड प्रोवाइड करता है वो है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली फ़ोटो वैसा के वैसे बन जाएगा। पर मैं टूल्स यूज़ करता हूँ। स्टार्टिंग में एडिटिंग के टाइम मैं थोड़ा सा स्किन सॉफ्टनिंग करता हूँ। तो स्किन सॉफ्टनिंग करने के लिए आपको पहले करना है लेंस ब्लर, ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेंस ब्लर पे क्लिक करने के बाद आपको मिनट स्ट्रेंथ 0 करना है, फिर उसके बाद ट्रांजिशन आपको 0 करना है, और जो ब्लर स्ट्रेंथ है वो आप 30-32 के आसपास रख सकते हो। फिर आपको ये खींच के यहाँ पे डाउन पे मैं डाल देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये पूरा फोटो ब्लर हो जाता है। फिर उसको आपको इस आइकॉन पे क्लिक करने का है। फिर व्यू एडिट्स में जाके आप यहाँ पे लेंस ब्लर को क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट कीजिए। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपको स्किन कितना सॉफ्ट रखने का है। 50 एज एवरेज में सेलेक्ट करता हूँ, तो 50 में पकड़ता हूँ। उसके बाद आपको ये फ़ोटो को जूम करना है, और यहाँ पे मैं पूरा तरीके से यहाँ पे ये मास्किंग कर रहा हूँ, इसके ऊपर सॉफ्टनिंग बोल सकते हैं आप। ये करते वक्त एक ध्यान रखना है आपको कि जो फेस के जो नेचुरल रिंकल्स रहते हैं, आँखों के नीचे होता है, फिर नाक के आसपास रहता है, वो रिंकल्स आप रहने दीजिए। अगर वो नेचुरल, अगर उसको भी आपने सॉफ्ट किया तो वो थोड़ा सा अननेचुरल बन जाता है। तो मैं अभी पूरे फेस को ये करने के बाद फिर से यहाँ लेंस ब्लर को 0 करता हूँ, और उसके बाद आँखें,
फिर नोज कि यहाँ का, फिर थोड़ा आईब्रोज, और ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, उसको फिर से ज़ीरो कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसको ओके क्लिक करना है। स्किन सॉफ्ट करने के बाद आपको फिर ब्लैक में जाना है। उसके बाद आपको ट्यून इमेज को सिलेक्ट करना है। ट्यून इमेज में आपको इसमें थोड़ा बहुत खेलना है, तो हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फिर थोड़ा एम्बियंस बढ़ा देता हूँ, जिससे जो सैचुरेशन है जो वो थोड़ा उसको कलर अच्छे आता है, तो थोड़ा ये 23-25 के आसपास बीच में अच्छा लगता है। हाइलाइट्स में आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं हाइलाइट्स में इतना 3+3 के आसपास, एंड देन शेडो आई विल डिक्रीज। ये सब होने के बाद इसको मैं ओके कर रहा हूँ। तो ये उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ब्रश ये आइकॉन को सिलेक्ट करना है। डाउन साइड में आप अगर देख रहे हो तो फ्लोर ब्राउन कलर का है, तो थोड़ा सा उसको अगर मैंने और डार्क कर दिया तो थोड़ा 3D इफेक्ट आता है, और बाल भी थोड़े से उसको एक्सपोजर कम करके भी वो थोड़ा फोटो अच्छा हाईलाइट हो जाता है। तो आपको एक्सपोजर ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसमें -0.3 और 0.7 पे आप रख सकते हो। तो मैं अभी इसको ये पूरा फ्लोर जो है वो -0.7 रख के उसको ब्लैक कर रहा हूँ। इस प्रोसेस के दौरान जो पाँव है, जो पैर है, वो भी ब्लैक हो रहा है, तो उसको भी हम ठीक करेंगे बाद में। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने बालों के लिए -0.3 रखा है, और फिर से यहाँ जूम किया है, थोड़ा सा इसको कलर कर रहा हूँ मैं। ये हुआ, मैंने एक्सपोजर कम कर दिया, और अभी अपने को ये थोड़ा सा ठीक करना है, जिसमें पैर में भी थोड़ा ब्लैक हो गया था जब हम फ्लोर ब्लैक कर रहे थे, तो पाव भी थोड़ा ब्लैक हुआ था। इसको ओके क्लिक करना है। फिर धीरे 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 फोटो में चेंजेस आना चालू है, फोटो थोड़ा डिफरेंट दिखने लगा है। अभी आपको क्या करना है कि डिटेल्स में जाके यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर और शार्पनिंग में चेंजेस लाने हैं। स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा 6 के आसपास रखूंगा, और शार्पनिंग थोड़ा बढ़ा दूंगा जो 30-35 के आसपास। इसके बाद ऑलमोस्ट ये फोटो रेडी है। इसके अलावा मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करता, बाकी के जो जो ऑप्शंस हैं वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे और क्या क्या करना है। तो फिलहाल बेसिकली ये फ़ोटो ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। इतनी 3-4 चीज़ें करने के बाद आपका फ़ोटो में बहुत सारा अच्छा परसेंट से चेंजेस आते हैं। ये है अपना ओरिजिनल फ़ोटो, और ये है एडिटिंग का फ़ोटो। थोड़ा बहुत आपने कॉन्ट्रास्ट पे, फिर एम्बियंस पे, फिर सैचुरेशन पे और एक्सपोजर पे अगर आप थोड़ा बहुत खेलिए, तो आपको डेफिनेटली आपका फ़ोटो बहुत अच्छा दिखने लगेगा। मैंने सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स बताए, पर डेफिनेटली आप इसमें और आपके क्रिएटिविटी से इसमें आप और मसाला ऐड कर सकते हो। सो थैंक यू, धन्यवाद, एंड स्टे ट्यून, विल बैक सून विद अ न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एडिटिंग टेक्निक्स और अच्छे से समझ में आई होगी, और आप अपने वीडियोस और अच्छे से एडिट करके पोस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। Enjoy, bye bye, and be safe. Thank you. Thank you.